स्टूडेंट्स, हम आज आपको बताना चाहेंगे कि एक एजेंट के और के क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज हैं, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एजेंट, एक एजेंट के प्रिंसिपल के विरुद्ध और वैसे क्या एजेंट ड्यूटीज हैं। उसमें पहला है टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल, यानी मुखिया के निर्देशानुसार कार्य करना। आप इस बात को जानते हो कि प्रिंसिपल द्वारा एजेंट की नियुक्ति की जाती है और एजेंट प्रिंसिपल की ओर से, मुखिया की ओर से कार्य करता है। तो एजेंट की यह परम ड्यूटी है, मुख्य कर्तव्य है एजेंट का कि वो प्रिंसिपल के निर्देशानुसार कार्य करे, यानी प्रिंसिपल के डायरेक्शंस के अनुसार कार्य करे, प्रिंसिपल के डायरेक्शंस का वॉयलेशन नहीं करे। अगर वॉयलेशन करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा। इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल टू हिम, अदरवाइज द प्रिंसिपल शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। एजेंट की ये ड्यूटी है, जैसे आपने किसी को एजेंट नियुक्त किया गया तो एजेंट आपकी तरफ से काम करते, उसकी जिम्मेदारी मुखिया की होगी, इसलिए उसकी एजेंट की भी ये ड्यूटी है कि वो मुखिया के निर्देशानुसार कार्य करे, उसके निर्देशों की पालना करे, उनकी अवहेलना नहीं करे। सेकेंड महत्वपूर्ण बात आया था टू कंडक्ट द बिजनेस विद स्किल एंड डेलिजेंस। एजेंट के द्वारा किए गए कार्य इस तरह से माने जाते हैं जैसे कि मुखिया ने ही किए, क्योंकि मुखिया ही जिम्मेदार होता है। तो एजेंट की भी ये ड्यूटी है कि उसको जो काम दिया गया है वो पूरी स्किल और डेलिजेंस से करे, पूरी निपुणता और पूरी ईमानदारी से करे, उसमें किसी तरह की लापरवाही नेग्लिजेंस नहीं बरते, ड्यू डेलिजेंस और ड्यू स्किल से काम करे। अर्थात अगर उसने जानबूझकर कोई लापरवाही की है तो उसके काम के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा। उसको एक रीजनेबल डेलिजेंस और रीजनेबल स्किल के द्वारा काम करने की उसका कर्तव्य होता है। फिर अगला है थर्ड, टू कंपनसेट फॉर नेग्लेक्ट एंड मिसकंडक्ट, मिथ्या वर्णन या लापरवाही के लिए जिम्मेदार। अगर एजेंट ने मुखिया के निर्देशानुसार डायरेक्शन के अनुसार काम नहीं किया, लापरवाही बरती या कोई मिथ्या वर्णन किया, बातों को गलत तरीके से पेश किया, तो ऐसी स्थिति में उसका जो नुकसान मुखिया को होता है, उस मुखिया के नुकसान की भरपाई एजेंट को करनी पड़ेगी। एजेंट हैज टू मेक गुड द लॉसेस क्रिएटेड ड्यू टू नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट ऑफ द एजेंट, उसकी जिम्मेदारी है। एजेंट मान लीजिए एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी ने वाई पार्टी को एजेंट नियुक्त किया और उसने पूरी ईमानदारी से काम करने की उसकी ड्यूटी थी और पूरा, लेकिन कुछ बातें उसने छिपाई एजेंट ने, और छिपाकर और छिपाने की वजह से, बातों को गलत बताने की वजह से मुखिया को कोई नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई जो है मुखिया को करनी पड़ेगी एजेंट के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण। टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करे प्रिंसिपल के डायरेक्शन के अनुसार, और इसके द्वारा मांगे जाने पर उस अकाउंट्स को, उन लेखों को, बुक्स ऑफ अकाउंट को पेश करे। फिर अगला है टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, एजेंट की ड्यूटी है कि उसको पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए और मुखिया को सारी बात कम्युनिकेट करना चाहिए, कोई बात छिपाना नहीं चाहिए, यानी उसको उसके इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए और इसमें किसी तरह का कोई कंसीलमेंट ऑफ एक्ट्स नहीं होना चाहिए। नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट, मुखिया की बिना सहमति के अपने आधार पर कोई व्यवहार नहीं करे, यानी कोई ऐसा गुप्त सीक्रेट डील कर ले जो कि प्रिंसिपल की नॉलेज में नहीं है, और प्रिंसिपल से छुपाकर कोई काम किया एजेंट ने, तो उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ एजेंट टू डिस्क्लोज आस्ट ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स बिफोर एजेंट बिफोर डीलिंग इन एनी ट्रांजेक्शन। तो उसको सारी बातें बताकर वो डील करे और गुप्त रूप से कोई व्यवहार नहीं करे, एजेंट की ड्यूटी है। टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, अगर मुखिया की ओर से कोई भुगतान प्राप्त हुआ है तो उसको मुखिया को भुगतान करे। फॉर एग्जाम्पल, एक नेस्ले कंपनी ने कोटा में एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट बाजार में माल बेचता है, मुखिया की ओर से सारे नेस्ले के प्रोडक्ट बेचता है,
और जो भी अमाउंट रियलाइज होती है वो उसको प्रिंसिपल को भेजनी पड़ती है। तो वो जो अमाउंट सेल्स की मिली है उस पर प्रिंसिपल का राइट होता है, न कि एजेंट का होता है। वो अमाउंट उसको भेजनी चाहिए। अगर उसमें ये हो सकता है कि वो आवश्यक खर्चे, एसेंशियल एक्सपेंडिचर जो कि उस बिजनेस को चलाने के लिए किए गए हैं उनको काट सकता है, या उसकी ब्रोकरेज को काट सकता है, बाकी सारे जो अमाउंट है वो उसको प्रिंसिपल को पे करनी पड़ेगी। फिर अगला है नॉट टू यूज इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट प्रिंसिपल, मुखिया के विरुद्ध सूचना का दुरुपयोग नहीं करना। यानी एजेंट एक तरह से प्रिंसिपल का एक छोटा रूप होता है जो कि उसको उससे काम करता है। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसका मिस यूटिलाइजेशन करके, दुरुपयोग करके वो मुखिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो कि गलत है। ये विश्वास पर आधारित संबंधों के खिलाफ है, इट इज ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसलिए एक एजेंट की ड्यूटी है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को जो प्रिंसिपल से प्राप्त हुई है उसका दुरुपयोग नहीं करे। नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, एजेंट एक्स व्यक्ति ने वाई को एजेंट नियुक्त किया, वाई व्यक्ति एजेंट है तो वो अपनी अथॉरिटी जो उसको दी है उस अथॉरिटी को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता, दूसरे आदमी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये उसकी महत्वपूर्ण कर्तव्य है। फिर अगला है नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, विपरीत स्वामित्व नहीं जताना। एजेंट के पास जो कुछ प्रॉपर्टी होती है, एजेंट के पास जो कुछ माल होता है, वो मुखिया का होता है, और उस पर टाइटल यानी स्वामित्व भी मुखिया का ही होता है, एजेंट का स्वामित्व नहीं होता है, और एजेंट उसका स्वामित्व का कब्जा कर भी नहीं सकता लीगली। लेकिन फॉर एग्जांपल वो जबरदस्ती कब्जा करता है तो वो गलत है, वो रॉन्ग है, अल्लाहफुल है। ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल लीगल तरीके से उस कब्जे को अक्वायर कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रिंसिपल्स की जो प्रॉपर्टी है उस पर एडवर्स टाइटल, गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश एजेंट नहीं करे। फिर अगला है टू बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ इम्प्रॉपर सब एजेंट, अगर अनुचित कोई उप अभिकर्ता नियुक्त किया गया है तो उसके लिए उसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे एक्स व्यक्ति ने वाई को एजेंट नियुक्त किया, अब वाई ने अपना काम करने के लिए जेड को सब एजेंट बना दिया, तो ऐसी स्थिति में अगर वो सब एजेंट गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी वाई की होगी। एक्स की तरफ से तो प्रिंस जो एजेंट है वो वाई है, और वाई शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट फॉर द ऑल एक्ट्स एंड डीड्स। तो इसलिए अगर सब ब्रोकर किसी ने सब एजेंट नियुक्त किया है तो उस सब एजेंट की और उस सब एजेंट ने सही काम नहीं किया तो उसकी जिम्मेदारी एजेंट की होगी। फिर है टू बी लाइबल फॉर नेग्लिजेंस इन नेमिंग ए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। फिर अगला है टू बी लाइबल फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, अगर एजेंट ने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया, मिथ्या वर्णन किया, कपट किया है और वो मुखिया से छिपाकर कोई गलत काम किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो ऐसी स्थिति में एजेंट जिम्मेदार होगा और मुखिया को कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। फिर अगला है नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स फ्रॉम एजेंसी, एजेंट की ड्यूटी है कि एजेंसी से मुखिया से छिपाकर अलग से लाभ नहीं कमाए। अगर उसने अलग से लाभ कमाया गया है तो ऐसी स्थिति में जो है मुखिया उसके लिए लॉस के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने वाई को एजेंट नियुक्त किया कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचने के लिए, अब पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्राइस में बेचने के लिए कहा, अब एजेंट ने उस माल को पर्टिकुलर प्राइस में बेचने के बजाय बाजार में उस माल की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऐसी स्थिति में उसको हायर रेट में बेचना चालू कर दिया। अब हायर रेट के बेचने की वजह से प्रशासनिक अधिकारी ने उस पर छापा डाल दिया और छापा डालने से कंपनी को मान लीजिए 5 लाख का नुकसान हुआ, तो ऐसी स्थिति में मुखिया जिम्मेदार हो जाएगा। यानी उसने सीक्रेट प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मुखिया को खतरे में डाल दिया तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। तो नॉट टू डू एनीथिंग कंफ्लिक्टिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट की ड्यूटी है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करे जो कि मुखिया के हितों के साथ टकराव उत्पन्न हो। यानी मुखिया की ओर से उसको कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो मुखिया के हितों के लिए उसको कार्य करना चाहिए, उससे कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट वाले कार्य उसको नहीं करना चाहिए। थैंक यू।